राजनीतिक उल्लाद जो धरने पर बैठे हैं उनको एक बार ये मेरी रिक्वेस्ट है उस कैंटीन में आके देखें। झगड़ा होता है, लेडीज तो कहती है हम पहले जाएंगे, जेंट्स कहते हैं हम पहले जाएंगे। जो मतलब नहीं चाहते किसी चीज को वो विपक्षी आदमी है। क्या जरूरत है वंदनागोन पेंशन के लिए कि दिल्ली चलो, उनमें से कोई नहीं जाता, यहाँ आके बैठे एमएसपी के लिए कोई लड़ने नहीं जाता। राजधानी की तर्ज के ऊपर कैंटीन बनाई जा रही है। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और आज अपन हाँ लोकेशन है जबकि नई कैंटीन शिफ्ट हो रही है बगिया होटलू, थोड़ी सी नवलगढ़ की तरफ चला तो बीच गया किया लोकेशन है और देख सको कैंटीन स्टाफ प्लस और साथ कमाईने सारा फौजी अठा आयड़ा है। कुछ दिनों कैंटीन को मुद्दो है जो हाईलाइट चल रहे हो, कई लोग है जगह अनशन पर भी बैठे बैठे है कि मैं शिफ्ट को नहीं उबादया, जबकि बाको मेन मुद्दो है कि बीच गया स्पेस को नहीं, तो ये कैंटीन को पूरा विजिट है जो मैं करवा सी। तो सब पहले तो राम राम जी। राम राम जी। राम राम। कैंटीन अठे शिफ्ट हुई है, कई दिनों हंगामो चाल बो लाग रहे है, तो स्पेस मोकड़ो है फिर कई बात को विरोध है डे। मां को विरोध यो है कि भाई बुनी साइड का माने बैठे रहना चाहिए जबकि बैठे बहुत कंजेस्टेड है और ये जगह बहुत खुली है और आने जाने के लिए भी साधन अच्छा है और किसी प्रकार की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ दो दो घंटे लाइन लगाने पड़ती थी और यहाँ पर बंदा आया अपने मूविंग ट्रॉली ली, सामान लिया और काउंटर पे आके चला जाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। और वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत तो फिर कई कारण है, मतलब लोग विरोध कर रहे हैं कि मैं अठिन को नहीं आवा, अठिन को नहीं आवा कई मतलब है, क्योंकि वो डिसीजन है जो आगे हो चुके है और पूरा सामान शिफ्ट हो चुके है, बिक बावजूद ये क्यों कर रहे हैं बात। ये सारे अज्ञात तत्व बैठे हैं जिन्होंने ये भ्रम फैला रखा है, बाकी सुविधा की दृष्टि से जगह तो ये सबसे अच्छी जगह है, इसमें कोई प्रकार की वहाँ ना तो पार्किंग व्यवस्था है ना लेडीज को सामान लेने में बहुत बड़ी दिक्कत थी। लेडीज बेचारी वो ट्रॉली लेकर के ना हथेली में वो नहीं हाथ में वो क्या बोले बॉकेट बास्केट लेकर के सामान लेती थी और नीचे गिरती थी, वहाँ पर सीढ़ियाँ थी, बड़ी दिक्कत थी और पसीने में पसीना हो जाता, सामान क्या लेना था वहाँ तो बोले उल्टी होने को दिल करता था। वहाँ पर एक सिटी पार करनी एक एक सिटी पार करनी पड़ती थी, यहाँ खुली जगह है। हाँ तो आरोपियान को है बे एक व्यक्ति विशेष में फायदो देवा के लिए वो काम करियो है। नहीं, 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 पहली बात तो ये कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सीकर एजुकेशन है भाई, सीकर सीकर जो पहले कैंटीन था ओनली सीकर के लिए था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सीकर में राजस्थान का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसका भूतपूर्व सैनिक का परिवार नहीं रहता हो, बिल्कुल उस संख्या को देखते हुए कैंटीन पर दबाव ज्यादा हो गया, स्पेस ज्यादा चाहिए, तो यहाँ खुले में बहुत बड़े स्पेस में कैंटीन को शिफ्ट करते करने जा रहे हैं। दूसरी बात जो विरोध कर रहे हैं, मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूं और यहाँ जो जितने खड़े हैं ये सब भूतपूर्व सैनिक हैं। भूतपूर्व सैनिक संगठन का आज तक कोई चुनाव नहीं देखा हमने, आज तक कोई मीटिंग नहीं देखी है, अखबार में जरूर देखते हैं। वो कौन सो संघ है जो को कह रहा है कि मैं वो बता, हम अखबार में जरूर देखते हैं, वो स्वयंभू पदाधिकारी, वो सब स्वयंभू पदाधिकारी है, हमने तो आज तक नहीं देखा कि कब चुनाव हुए कब क्या हुआ, ये सिर्फ अखबार में सुनने को आता है। भूतपूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सचिव और अखबार में एक चीज आपने और भी देखी होगी, जब भी नाम आता है कैप्टन फलान सिंह सुबदार फलान सिंह उसके नीचे वालों को भगवान सिंह गोवर्धन गंगाधर, क्यों वो ओलदारक सार्जेंट को नहीं है क्या, सिर्फ दो तीन उच्च रैंक के लोगों ने। आप ही संगठन बना लिया और आप ही सब कुछ करेंगे, अपनी मर्जी से उन्होंने संगठन बना लिया, किसके पूछ के बना, हमसे किसी ने पूछा नहीं आज तक, अपनी मर्जी से बना के बैठे और अच्छे काम में टांग रहते हैं, जिनको जहाँ जरूरत है वंदनागोन पेंशन के लिए दिल्ली चलो, उनमें से कोई नहीं जाता, यहाँ आके बैठे एमएसपी के लिए कोई लड़ने नहीं जाता, और यहाँ जो अच्छा काम हो रहा है कैंटीन का उसमें अपनी टांग अड़ा के बैठे कि अच्छा काम नहीं होना चाहिए, अगर वो बैठे हैं धरने पे तो हमारे साथ चलो दिल्ली, जहाँ लड़ो अपने हक की लड़ाई, एक भी लड़ने के लिए तैयार नहीं उनमें से। कहीं लगे राजनीतिक उल्लू सिद्धो करवा की कोई बात, बिल्कुल ये राजनीतिक उल्लाद जो धरने पर बैठे हैं उनको एक बार ये मेरी रिक्वेस्ट है उस कैंटीन में आके देखें कि इस कैंटीन में क्या परेशानी है, क्या उसमें परेशानी थी, उनको देखना चाहिए, और देख नहीं सर देख नहीं रहे, प्रेम सिंह बादौर साहब है उसको यहाँ आने नहीं दिया, प्रेम सिंह बादौर साहब का उस कैंटीन में निरीक्षण करना तो यहाँ भी आना चाहिए था, उन लोगों ने वहां से वहीं चला गया, हम 300 आदमी यहाँ इंतजार कर रहे थे, फैमिलियां थी बच्चे सब देख, हम भी तो कैंटीन दिखाना था ना उनको, उनको वहां से वापिस चले गए, उनको याद है आज की उद्घाटन की, आज की उद्घाटन की नहीं थी, वो निरीक्षण करने के लिए आए थे, प्रेम सिंह बादौर साहब आए थे, वो वहां से वही लोगों ने भेज दिया कि वहाँ पानी भरता है, कुंडली यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, पानी तो यहाँ भरता है, वहां से अच्छा पार्टी, वहाँ पुलिस वाले रोज परेशान करते हैं, भाई बाहर गाड़ी खड़ा करके चला गया, चलान काट दिया उसने, यहाँ बताओ इतनी बड़ी कैंटीन की 10 तो काउंटर है इसके अंदर,
उसमें दो काउंटर, एक छोटा सा बच्चा लेकर के जो लेडीज उस काउंटर सामान ले सकती है उस कैंटीन में? बिल्कुल ले सकती है क्या पता स्पेस, और कई दिनों मांगी कि शिफ्ट करो शिफ्ट करो शिफ्ट करो। उस लोगों ने कोई विरोध नहीं होना चाहिए, उस लोगों को एक बार कैंटीन दिखाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है विरोध कोई, हम किसी फौज में ऐसा नहीं चलता, संगठन हो गया ऐसा नहीं होता फौज में, हम जाके झगड़ा नहीं कर सकते आप एक दूसरे को। आर्मी वाले डिसिप्लिन बहुत कायम रखते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन आया बाद के मायने राजनीतिक डाल दिया, देख लो ना कि देखना चाहिए था पहले, पहले जो 8-10 आदमी वहां धरने पर बैठे उस कैंटीन का आके उन्होंने देखना चाहिए था कि वाक्य में क्या प्रॉब्लम है। आए तो है नहीं कोई, अभी आपने देखा उसमें कितना बड़ा स्पेस है, 8-12 देखकर चले गए, 12 से देखकर सब चले गए, कुछ नहीं है वहाँ पार्टी नहीं है, पार्टी तो यहाँ से लेकर के अभी कुंडली तक वो देखने के लिए आया नहीं कोई। मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा कहने का मतलब कैंटीन हम तो दोस्त किसको देंगे, बाहर कोई भी हो कैंटीन वालों ने नहीं दिया वो पता नहीं रख लिया होगा, जो भी आएगा बाहर ऐसे ही बोलता है। लेकिन ये चीज यहाँ ऐसी नहीं है, जो आदमी धरने पर बैठे हैं उनको यहाँ आकर के देखना चाहिए। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उस कैंटीन का विजिट करे, तब फिर बोलेंगे धरना सही है या गलत है वो फैसला सैनिक के अधिकारी आकर के ऐसे ऐसे आपने पानी तो शहर में हर जगह बढ़ता है, पानी थोड़ा बढ़ता है, पानी तो हर जगह बारिश का पानी हर जगह बढ़ता नहीं बढ़ता क्या? और पार्किंग के लिए कहाँ सुविधा थी बता दो, शिक्र में कहीं सुविधा नहीं, वो चीज है। जो प्रेजेंट टाइम कैंटीन है उस जगह पर भी पार्किंग की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन वहाँ बाहर गाड़ी खड़े करते हैं। जितनी सी बात जगह है सैनिक कल्याण बोर्ड कितनी बड़ी परेशानी है वहाँ, उसके अंदर लिक्विड का अकाउंट, उसके अंदर कितनी बड़ी परेशानी है लिक्विड लेने वालों के लिए भी। एक बूढ़े लेडीज एक बूढ़े लिक्विड ले नहीं सकती, वहाँ जगह ही नहीं है वहाँ लिक्विड की। तो छोटो बैठा जाए तो 2 ट्रक खाली उबान सामान को आवा है, तो फिर ट्रक खड़े कर पर भी जगह एक ट्रक पर 2 घंटे होल्ड किया जाता है। जब ट्रक का सामान आता है बोला तो बाद दोपहर के 2 बजे बाद में देंगे। जब फौजी आदमी से 50 रुपए किराया लगा जी कहीं गांव से आता उसको वेट करना पड़ता है 2 बजे तक, और जब तक वो ट्रक खाली नहीं होंगे तब तो सामान की जगह ही नहीं है वहाँ। प्रॉब्लम तो ये भी बहुत बड़ी है, उन्होंने बहम फैला दिया कि नौलगढ़ रोड वाले को फायदा, फायदा किसी को ने जगह, ये गलत फहमी है उन लोगों के लिए। क्या नौलगढ़ रोड सब पहले तो लुगायन ज्यादा तकलीफ हुआ, आवे करे अलग काउंटर, क्योंकि लगभग ईस्सा की बात करे तो गेट तक तो 12 ताली भीड़ लगे रही रेवे, और देखे ना सगड़ा मिक्स के मायने चलता रेवे, मिक्स में चलते हैं, वहाँ पे खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। जैसे लेडीज यहाँ खड़ी हो रही है, जेंट्स यहाँ खड़े हो रहे हैं, तो लेडीज और जेंट्स ऐसे भी नहीं है कि कहाँ खड़ी हो सकती है। झगड़ा होता है, लेडीज तो कहती है हम पहले जाएंगे, जेंट्स कहते हैं हम पहले जाएंगे, तो वहाँ खड़े हुए हैं तो कहाँ खड़े हुए हैं? काउंटर तो फिर बात है, पहले तो खड़े होने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। बिल्कुल, तो वो भी कहाँ से लेंगे हम? 3-3 घंटा लाइन में लगी पड़ता है और सामान बिल्कुल मिलता नहीं है, इतना परेशान होते हैं चढ़ने में, आने जाने में, उतरने में, और यहाँ इतना अच्छी जगह है और हम सब कुछ सब यहाँ सहमत है। यहाँ मेरा एक बात आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार कैंटीन को पूरा निरीक्षण कर चलते में दिखाया जाए। बिल्कुल, मैं विजिट है जो भी करवा पूरा और मायने यही ऑप्शन और बिल्कुल इस जगह के ऊपर देख सको। और स्पेस की बात करूँ तो मैं फन दिखाऊँ और अंदर चल रहा है जो पूरा विजिट करवाऊँ। और एंट्री की बात करूँ तो 8 बैग को लॉकर रखवा को सिस्टम है, 8 स्टार्ट हुए और बिग बाद में लीकर एरियो है जो दिखा दू मैं ताने, और लीकर को एरियो है और सौ बड़ी बात पूरी फर्निश्ड राजधानी की तर्ज के ऊपर कैंटीन बनाई जा रही है। और वो स्पेस थे देख सको, पूरा स्पेस और नयो पूरा तैयार उबा लाग रहे है, जबकि और इस साइड का मायने गोडाउन है, 8 का पूरी व्यवस्था है 8 काउंटर के लिए, और काउंटर भी थे देख सको 3 काउंटर है, 1, 2, 3 लीकर के लिए भी 3 काउंटर है। और ज्यादा रश होता है और काउंटर खोल दिया जाएगा यहाँ पर, और बिलिंग स्टेशन और खोल दी जाएगी यहाँ पर स्पेस। हाँ। भीड़ अगर भीड़ होगी तो 4 काउंटर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वहाँ पे 6-7 काउंटर चलते थे, अभी यहाँ पे करीबन 12-13 काउंटर चलेंगे, लेडीज का अलग, विडो ओआर का अलग, ऑफिसर का अलग, जेसीओ का अलग, ओआर का अलग काउंटर होगा। आज की समस्या आता दिन हो रही है बैठे और आज इसका के ऊपर शिफ्ट हो रही है, फिर भी लोग विरोध कर रहे हैं कहीं कारण, जो मतलब नहीं चाहते किसी चीज को, वो विपक्षी आदमी है। देख आर्मी के अंदर एक ऐसा है जो आंदोलन नहीं कर सकते, एक आर्मी बची है और हर आदमी आंदोलन करता है, जो सभ्य के काबिल होते हैं, अनुशासन में होते हैं, इसलिए हम आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन हमने चाहिए सुविधा। हम आंदोलन करते हैं लड़ाई लड़ने के लिए उस टाइम इकट्ठे होते हैं जो भारत पाकिस्तान और चीन के लिए, ना कि हम आपस में लड़ने के लिए यहाँ पर। ठीक है, वहां पर मैं 1-2 दफा मैं चलेगा मेरे पैर में फ्रैक्चर होगा वहां पर, क्यों इतनी ऊंची सीढ़ियां हैं, सामान लेके उतर नहीं सकता, किसी का पैर पड़ जाता है, बिलिंग करावे भी टाइम पर भी बैठो सीढ़ियां में उतर भी सामान ने पूरा उठा निकलनो पड़ता पड़े, हाथ में टोकरी लेके, ये टोकरी तो है नहीं, हाथ में टोकरी उठा के चलना पड़ता है और सामान का वजन इतना हो जाता है, बुजुर्ग आदमी एक वहां पर जाएगा, मेरा बेटा या बेटी जाएगी या मिसिस जाएगी, उसको निकलेगा साथ नहीं बढ़ने देंगे, एक ही रहेगा, क्यों वो भीड़ के मारे नहीं बढ़ने देते और कोई मतलब नहीं है।
भाई मैं सदस्य हूँ तो मेरा परिवार कैंटीन का मैं आ सकता है, मेरा लड़का भी आ सकता है, मेरी लड़की भी आ सकती है, मेरी मिसेज भी आ सकती है, मैं अकेला रहा हूँ तो मेरे साथ मेरी लेडीज या मेरा लड़का आ सकता है ना, तो उसमें तो कोई रोक नहीं है। लेकिन वहां पर एक आदमी ले आओ, लेडीज तो लेडीज का सामान खरीदेगी। एक बात बताओ, अत्ता दिन कुछ लोग कहता है कि शिफ्ट करो, आज शिफ्ट कर दिए ना, दर्द है जो क्या हो रहा है, ये वाहियात का दर्द हो रहा है। जो 5-10 आदमी बैठे हैं वहां पर, उनका घर उन कैंटीन के पास में है, इसलिए हम तो उरा घर से निकला और सीधा कैंटीन में बैठ जावा। वह एक किस्म का दलाली का काम कर रहे हैं वहां पर। इंडिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, बिल्कुल यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं सब पढ़ाने के लिए, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई भादरा जा रहा, मतलब एक एक सिक्कर से। मैं हरियाणा से हूँ और इसका टाबरन पढ़ाओ, टाबरन पढ़ा रहा हूँ, मैंने यहाँ 4 साल रहना है। हाँ। तो 4 साल रहूंगा तो मैं कैंटीन को घर पर हरियाणा में सामान लेने के लिए जाऊंगा, सामान तो यहीं पर लूंगा ना मैं, बिल्कुल हैं? तो वहां पर जाता हूँ तो गणखरी पर तो वापसी आ गया हूँ। मैं थकाली बात के ऊपर बताओ क्या अठैन है, बहुत सारा लोग रे हुए पे दुख पावे जना बारे कौन जा सके कर सके, जबकि अटाऊ सिटी बस की भी पूरी सुविधा है। हमने मैनेजर साहब को कई दफा कहा था, मैनेजर साहब को जगह देख लो और जो खुला एरिया में कैंटीन लगा लो, यहाँ पर बाहर के लोग आ रहे हैं, 1 लाख सिक्कर के आदमी नहीं है, सिक्कर के आदमी तो 30 किलोमीटर बाद में दूसरी कैंटीन भी खुल रही है, बिल्कुल ठीक है। अब बाहर के आदमी ज्यादा है सबसे ज्यादा, क्यों, सब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए ना। पूरा चेकिंग काउंटर है, अठूर में दिखाऊं थाने, चेकिंग काउंटर भी कताया थे देख को, कम से कम 5-7 चेकिंग काउंटर है, लगभग 4-5 आदमी चेक करवा सकते हैं यहाँ पर, जो हम सामान को चेकिंग करेंगे तो यहाँ पर चेक करवा सकते हैं, कोई भीड़ नहीं होगी। क्यों, एकदम सामान लेते हैं तो तकरीबन 8-10 आदमी निकलते हैं और बाद में आएंगे तो बाद में करवा देंगे। हमने 72-10 अंदर की मैं बात करूं, ओ स्पेस है जो अतो नजर आवे है कि आज के टाइम पर बड़ा बड़ा मॉल है ना, रिलायंस मॉल भी साबू बत्ती व्यवस्था ही कैंटीन की करेड़ी है, तो खटन है खटे पर पूर्व सैनिक है बक लिए आ सही सौगात है जगह दी है, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और अठिन जवान है जगह खड़े व्हाइट टी शर्ट वाला भाई साहब थोड़ा सा आओ दिखाने थे अठिन, क्योंकि ये भी नया नया मन लगे रिटायरमेंट थोड़ा सा दिखे। राम राम जी। राम राम जी। मैं ये सोच रहे हो कि जयपुर जाता ना जरा अपने सिक्कर में भी है की कैंटीन हुआ तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन आज सिक्कर में बनिया बाद में लोगों के किबरो की धारणा ही पैदा हुई है कि भाई चाहूंगे आ चालू न हो जाए, तो चालू तो होनी चाहिए ना, की कैंटीन देख पाने में सिक्कर जयपुर थोड़ी जाऊंगा बार बार देख पाने, ये की कैंटीन तो स्टेशन हेडक्वार्टर जयपुर में है, बिल्कुल भी बढ़िया कैंटीन बनाई है लिकर की, देखो अभी कमा चाहे लेडीज के लिए अलग से काउंटर है, ऑफिसर के लिए अलग से काउंटर है, जैसे उसके अलग से काउंटर है, बाकी और के लिए अदर के लिए सबके लिए काउंटर अलग अलग बनाया हुआ है, पूरा सामान देखो कितना अच्छी तरह से लेआउट किया हुआ सामान का। और फिर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये कैंटीन यहाँ चलनी चाहिए, अगर नहीं चली तो भविष्य में कैंटीन बाहर जाएगी भी नहीं, और ऐसे ही हमारे जैसे फौजी भाई हैं ऐसे दुखी होते रहेंगे बेचारे। 9 काउंटर बना रखा, 8 काउंटर ये रहे, और काउंटर से देख को पूरा विजुअल है, और भी काउंटर लग रहा है, सीजन के लिए अलग है, तीन काउंटर लग रहा है, अच्छा लेडीज के लिए काउंटर अलग है, वो एक लेडीज के लिए काउंटर बना रखा है अलग है। सैनिक कल्याण बोर्ड मंत्री प्रेम सिंह बाजोर है, बातचीत हुई मामला के मायने जना कुछ। आज मंत्री साहब आने वाले थे जन सुनवाई के लिए, हाँ। तो हमने सोचा कि पुरानी कैंटीन में भी जाएंगे, नई कैंटीन में देखने आएंगे, तो हम 200-300 आदमी भूतपूर्व सैनिक यहाँ इकट्ठे हो गए, मंत्री साहब आएंगे यहाँ भी आएंगे, हाँ। लेकिन वो वहाँ आके वहाँ 10-15 आदमी बैठे हैं, एक संगठन स्वयंभू संगठन के, उन्होंने साहब को क्या गुमराह किया है बताया नहीं होगा, या तो वो वहीं से वापस निकल गए। तो मेरा चैनल के माध्यम से निवेदन है, जब भी सैनिक मंत्री बाजोर साहब को वीडियो में पर्सनली भेज, बाजोर साहब को जब भी टाइम मिले यहाँ का भी आके देखे, और फिर अगर उनके आत्मा गवाही दे कि यार वहां से 1000 गुना बढ़िया सुविधा है यहाँ, तो वो इसके लिए प्रयास करे, स्वीकृति करे और चालू करवावे। और आई बात है थे मैं पूरा स्पेस चालर भी दिखा दू की साबू पूरा स्टेबल पहली है जगह, आप ट्रॉली उठाता जना निकल कौन सकता बीच के अंदर कर, अब कम से कम अठिन भी ट्रॉली चाल सके, अठिन भी ट्रॉली चाल सके, कंटिन्यू ट्रॉली चाल सके, और वो स्पेस थे देख को पूरी, और 100-150 आदमी सामान में ले सकते हैं, कम से कम 100-150, वहां पर कम से कम 10-15 आदमी बढ़ते थे, उससे अलावा नहीं बढ़ सकते थे, यहाँ पर 100-150 आदमी लिख सकते हैं, और कितना और देख लो कंटिन्यूली, मत हम दिखाऊ स्पेस पूरो, और वो स्पेस है पूरो इस साइड में, प्लस वो अठिन बता रहे वो लेडीज काउंटर है, और वो लेडीज काउंटर है, एक नहीं 2 काउंटर लगेंगे, ये लेडीज की लाइन है, लेडीज वहां पर जाते हैं, हर तरीके के आदमी होते हैं, किसी का दल खराब होता है, कुछ कोई धक्का मुक्की कम होता है, कोई बाण बेटी होती है, तो अपना लेडीज के लिए 2 काउंटर बना दिए अलग, अपना आओ और सामान लो और ट्रॉली का मर्सी दाली कर जाओ बाहर। और अब मैं थाने एक चीज की और विजिट करवा, जखो
सामान बिज गए सिर्फ कोई 10x10 को कमरो हो बिग मायने जातो हो और ओ अठीन स्टोर रूम है और पूरो ओ भी बहुत बड़ो है कत्तो भी सामान है डायरेक्ट को पहली बैठे बेसमेंट हो और बेसमेंट के ऊपर तो फिलहाल कार्रवाई भी चालबा लाग रही है बेसमेंट के मायने जता भी संचालित उसको वो तो बड़ो लंबो चौड़ो जा रहे है और ठेठ तक डायरेक्ट को बहुत बड़ो 10 गाड़ियां एक एट ए टाइम गाड़ी खाली हो सकते हैं और सब बड़ी बात आप करा बेसमेंट बैठा संचालित हो तो बेसमेंट के ऊपर कार्रवाई भी आज करी जा रही है बेसमेंट है जबकि प्रशासन नगर परिषद है जो बंद करवा रही है और भी एक वजह उसके क्योंकि बहुत सारा हादसा का कारण उसके है और अठे अध्यक्ष को पूरा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पूरा काम है और बैठे अटैची सूटकेस वगैरह है कपड़ा को सामान है वो सिर्फ 10x10 को एक रूम हो बिग मायने मिलतो और इस जगह के ऊपर बिन कतो वेल मेंटेन तरीका लगायो गयो है और सब बड़ी बात आप बढ़ता करता है ना देखता बे गद्दा रकबन भी बैठे ही हो जगह और गद्दा रकबन भी बैठे और बड़बन भी बैठे या तो आदमी मायने बढ़तो और या ये रखीजता अब स्पेस अध्यक्ष को और लगेज और इलेक्ट्रॉनिक्स है और वो पूरा सेपरेट अठेनू पूरो मैं दिखाऊं अठेनू पूरो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और लगेज वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक है तो सो कमरो अब लगेज को और दिखा दू था स्पोर्ट्स है कैंटीन के अंदर पता नहीं लगा था हमारे कैंटीन के अंदर सामान आया है कि नहीं आया है वहां पर हमने आज तक जूते लगे नहीं देखे कभी भी और डिब्बे के अंदर ही बंद रहते थे एक जूतो बटे लातो हमेशा वो मैं दिखा दू शायद वही जूतो हो और वो एक ही जूतो लातो आज कम से कम 20 प्रकार का जूता है बंद रहता था वो पता ही नहीं लगा था नहीं हमने कभी ट्रैक सूट देखे वहां पर इनकी कैंटीन में होंगे ट्रैक सूट लेकिन डिब्बा के अंदर पैक रहते क्यों खोलेंगे जब जब वहां पर स्पेस होगा स्पेस था ही नहीं तो खोलेंगे कहा तो यहाँ पर हर आदमी आने की देखेगा अपनी क्वालिटी देख सकता है अपने ये चीज की जरूरत है तो यह आइटम ले सकता है आधा तो ऐसा दिखता है सामान है ही नहीं यहाँ कह रहा है एक बहुत बड़ी बात कह रहा है कि मैनेजर साहब बैठा का है ही को लेना बंद से का उठी के सनिका को कहीं बेरो नहीं 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 ऐसा मैनेजर कहीं का भी हो चाहे यहाँ का हो और चाहे बाहर का हो आर्मी का जो सैनिक होता है ना मैनेजर होता है वो सबके लिए होता है ना कि एक आदमी के लिए होता है वो सबको समान रखता है स्टेटों के आदमी थे वहां पर ये भी मालूम होना चाहिए हमारा जो सीओ आया करता वो तो मद्रास का था हम हरियाणा के थे और सीओ आया करता कोई वो बॉम्बे का था और भी मैं थाने दिखाचू वो देखो लगेज रूम है वो दिखाचू और बिक अलावा कई फैसिलिटीज दिखाचू अब तो स्टॉक बैग को सिर्फ यहाँ एक लाइन नजर आती बिक अलावा थाने बैग बैठे दिखता को नहीं और वो अतो मैं दूसरी चीज बता चाहूं कि बैठे पसीना में बुरी हालत हो जाती और अठे हर जगह एसी है जगह लाग रही है पूरी तरीका और वहां पर एक मेन चीज और थी वहां पर जो स्टाफ रहता था उसके लिए भी जगह नहीं थी रुकने के लिए बैठने के लिए रेस्ट करने के लिए यहाँ पर स्टाफ के लिए पूरा ऊपर एक अलग रूम है किसी डाल भी स्टाफ चाहे 15 आदमी रह जाओ उस रूम लोग कैंटीन प्रशासन पर आरोप लगाता कि भाई साहब गलत करा है हर चीज करा है हर चीज सीसीटीवी के अंदर पूरा काम है जो सीसीटीवी के साथ कमाइना है तो इन का आरोप भी बहुत सारा लोग लगाता लेकिन वो काम है जो पूरा प्रोफेशनल तरीका करवायो गयो है और बिक बाद में अठे संचालित कर रही है तो आ कैंटीन अठे आबो सेखावाटी के सैनिका के लिए फायदेमंद है कोनी आ जनता बतासी और थे खुद बताशो देखो भी हो सामान का स्टोर और अलग दिखाते हैं हम आपको ये तो सामान लगा हुआ है इसका स्टोर और देखो हम अच्छा, स्टोर कर आपको भी स्टोर है जो अठिन है मतलब स्पेस थे देखो इसका शिफ्टिंग करी जा रही है आ सही है कोनी सही है बिल्कुल बिल्कुल सही है जगह लोग कुछ लोग विरोध कर रहे हैं क्या सही कोनी जगह कोनी नहीं स्पेस अच्छा है बढ़िया है अच्छा। तो खटे ना खटे राजनीति हुबा लागी रही है ये मामला आ एक ही तो जगह बची सैनिक सेना आई जगह बची जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए और भी जगह पर हो रही है तो जरूर ये मामला के बारे में थे बताओ लोग खटे तक खड़े है भाभी पूरी एक मायने दिख रही है धन्यवाद राम राम साहब।